वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पोहा। तो इंग्रेडिएंट्स आपको क्या क्या चाहिए पोहे के लिए वो जान लेते हैं। आपको चाहिए होगा भिगाया हुआ पोहा, ये मैंने ऑलरेडी कटोरी में भिगो चुका है। ये आपको क्या करना है, पोहा लेना है एक कटोरी, और एक कटोरी पानी से आपको उसे वॉश कर लेना है या फिर 5 मिनट तक भिगो के रख लेना है और फिर निकाल लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैं यूज़ कर रही हूँ बीन्स, आलू और पालक। हमें चाहिए होगा कटा हुआ ऑनियन, अदरक, कटी हुई गार्लिक, कटी हुई मिर्ची, कटे हुए टमाटर, घी, और मसालों में हमें चाहिए होगा नमक, मिर्चा, गरम मसाला और हल्दी, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा धनिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे आगे बनाना है इसे। अब आपको कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख देना है। 1 या 2 टेबलस्पून अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तेल के गर्म होने का वेट करते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा आपको उसमें डालना है अदरक और लहसुन। और मैं थोड़ा सा लहसुन यूज कर लूंगा। अदरक और लहसुन के पकने पर आपको डाल देने हैं इसमें ऑनियन। जैसे ही आपके ऑनियन भून जाएंगे आप उसमें डाल देंगे वेजिटेबल। मैं आलू और बीन्स डाल लेती हूँ। आलू जल्दी पक जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी नमक डाल दे रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार यूज करेंगे, और थोड़ी सी हल्दी अब हम डाल लेंगे। इसे आपको कम से कम 4 से 5 मिनट पकाना है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब आपने इसमें पालक डाल लेनी है कटी हुई। अगर आप कोई और वेजिटेबल भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लाइक गाजर। इसके होते होते आपने इसमें टमाटो डाल देनी है। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। अगर सब्जियां नहीं पक रही हो तो आप चाहें हल्का सा वाटर का यूज भी कर सकते हैं, लाइक 2 चम्मच आपने वाटर डाल लिया और उसमें हल्की सी सब्जी पका ली। वेट करते हैं 2 से 3 मिनट। अभी बिल्कुल पक चुका है, अब हम इसमें लास्ट में पोहा डाल देंगे। आप लोग जितनी ज्यादा चाहें वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको तीखा करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप रेड मिर्चा डाल सकते हैं, जितना आप डालना चाहें। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया इस तरह से। अभी आपको 1 से 2 मिनट तक सेकना है बस। थोड़ा वेट करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देना है इस तरह से, और आपको इसमें थोड़ी सी नींबू निचोड़ लेनी है अगर आप चाहें तो। किसी को नहीं पसंद होता है खट्टा तो वो नहीं भी, इस तरह से आपको फैलानी है। कई लोगों को चीनी पसंद होती है तो वो ऊपर से चीनी भी डाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है, हम इसे अब
तो रोस्ट देते हैं। और अब आपका पोहा बिल्कुल रेडी है। चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है, आप खा सकते हैं इसे या चटनी के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। ये अच्छी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सजेशन जरूर दें कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।